हैं छठ मैया के गाने। तो आज इन्हीं लोक गीतों की सोंधी महक के साथ हमारे साथ स्टूडियो में है मनोज तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और इनकी पूरी मंडली हमारे साथ है। मनोज जी, छठ की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और मंडली का साथ जब आपको मिलता है तो एकदम जो आवाज की खनक होती है, और छठ के त्योहार पर मनोज की आवाज की खनक दोगुनी हो जाती है और फिर बैठा हुआ गला भी खुलने लगता है। बिल्कुल। और ये लोग जो हमारे दोस्त हैं, जो 18, 18, 20, 20 साल के साथी हैं, जी जी और ये जो नए टैलेंट्स हैं जो जिनको हम लोगों ने ढूंढा चलते चलते सफर में, सभी लोग मिलकर के जब गाते हैं तो निश्चित रूप से, जैसे आपने कहा गेहूं पिसा रहल बा, प्रसाद खातिन बन रहल बा, ये सब तो शुरू हो जाता है जब छठ 10-15 दिन रहता है तभी। और जैसे छठ के उस प्रसाद बनाते समय एक प्यारा सा वो गीत जब गूंजता है कानों में आता है, तो ऐसा लगता है कि हजारों सूर्य मिलकर के लोगों की चमक बढ़ाने को आतुर है। काली पांच, हर कांचा ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकती जा, बहंगी लचकती जा, अरे बनाए मनोज बाबू का हरिया। हमार माई ऐसे ही गावे ले, हमारी माँ ने हमेशा मेरा नाम लेके गाया है, इसलिए मैं गा रहा हूँ। बनाए मनोज बाबू का हरिया, जलवा घाटे चहुपा, जलवा घाटे चहुपा, नरियरवा जे फरेला धवद से, ओ पर सुगा मेड़ेरा, अरे सुगवा के मरबो धनुष से, सुगा गिरे मोरे झा, सुगा गिरे मोरे झा, तोरो वेली सुगा के सुगनिया, सुगा कहे मारल जा, छठी मैया होई है सहैया, सुगा उठे हरे सा, सुगा उठे हरे सा, छठी मैया होई है सहा, छठी मैया होई है सहा। ये सब गीतों में कहीं स्वच्छता है, कहीं शुचिता है, कहीं सारे समाज के हर वर्गों के जुट मिल करके ये पर्व होने की एक प्रेरणा है। जब हम गाते हैं कि केरवा जे फरेला घवद से, केला चाहिए, शरीफा चाहिए, सेब चाहिए, संतरा चाहिए, तो हमें फल वाले के पास जाना जाना पड़ेगा। और जब सूप चाहिए तो हमें जो डोम घर में सूप बनता है वहां भी जाके हमको हाथ पसारना है और कहना है, अरे दे दाए गो सुपवा सुपेलिया, छठी के हो खेते ओहा, अरे दे दाए गो सुपवा सुपेलिया, छठी मैया होई हे सहा, छठी मैया होई। हमें सूप के लिए उनके घर भी जाना है जिनके यहाँ खड़े होने में पता नहीं किसने व्यवस्था बना दी कि भैया वहाँ नहीं जाना है, वो अछूत है। कहाँ छठ मैया ने कहा कोई अछूत नहीं है, उसका जब तक सूप नहीं आएगा तेरा छठ का पूर्ति अधूरी रह जाएगी। और अगर किसी ने पूछ दिया कि ये भैया ये क्या हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, किसका बहंगी है, तो बहुत गलत बात है। आपको जानना चाहिए कि ये छठ माँ का व्रत है, ये भगवान सूर्य का जन्मोत्सव है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, वरना अरे बाट जे पूछे रे बटोहिया, ई बहंगी के करा के जा, ई बहंगी के
के दुनिया को पता होना चाहिए कि छठ की भंगी है, भगवान सूर्य का जन्मदिन है, मात्र यूपी बिहार का त्योहार नहीं है। वही उसी में मैं आ रही थी, जिस तरीके से मनोज जी आपने बताया कि छठ मैया की महिमा अपरंपार है और अब ये त्योहार जिस तरीके से बिहार से निकलकर पूरे देश की रौनक बढ़ाता है उसे देखकर बहुत खुशी होती है। मनोज किस तरीके से देखते हैं इसे? आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, वो बिहार के थे, तो बिहार के लोगों ने ये छठ का आविष्कार किया है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कह रहा हूं तो लोग हंस सकते हैं, लेकिन छठ तो भगवान सूर्य का प्रकट्योत्सव है, सूर्य भगवान का जन्मोत्सव है। तो सूर्य तो सिर्फ बिहार के या यूपी के पूर्वांचल के नहीं हो सकते, वो सारी दुनिया के हैं। लेकिन महसूस सबसे पहले बिहार की माताओं ने किया, बिहार की नारियों ने किया कि हमें सूर्य की पूजा करनी है, सूर्य का जन्मोत्सव है, ताकि मेरा बच्चा सूर्य जैसा हो, या जिसके पास कोई शिशु नहीं हो उसके घर में कोई किसी बच्चे की किलकारी गूंजे। और जब वो किलकारी गूंजती है तो किस तरीके से जश्न मनाया जाता है उस पर कुछ सुन लेते हैं हम। पहले तो आप सुनिए कि जब उस किलकारी के लिए लोग तपस्या करते हैं जी, बार बार लोग घर से निकलते हैं और जितना बड़ा लंबा शरीर है उतना नाप नाप के कुछ लोग मन्नतें मानते हैं और नाप नाप के चलते हैं, फिर उठा, फिर उतना लेटा, फिर उतना नापा, फिर उठा, फिर लेटा। इस तकलीफ को छठ माँ से बताने का एक जरिया बना रखा लोगों ने। और हमारे यहाँ गांव में लोग गाते हैं, अरे सात को ठरिया है दीना नाथ एका की दुआर, सात को ठरिया है दीना नाथ एका की दुआर, कबो ना छोड़वला है आदित बाबा बाजी बताते हैं इससे जुड़े लोकगीतों की कहानी तो सुनकर लगता है कि कहीं ना कहीं ये त्योहार स्त्री शक्ति के लिए भी है। जिस तरीके से माँ की पूजा होती है, जिस तरीके से सूर्य भगवान से पहले लगता है कि माँ हर मुश्किल को दूर कर सकती है, हर पीड़ा को हर सकती है, तो स्त्री शक्ति की भी यहाँ कहीं ना कहीं पूजा हो रही है। अजी बिल्कुल, स्त्री शक्ति की पूजा तो है। और सबसे अच्छी बात कि एक तिथि को भी जननी माना गया जी। आप कहीं भी छठ माता की फोटो नहीं देखेगी आपको जी। क्योंकि छठ माँ साकार नहीं है, वो निराकार है। एकम दुई तीस चतुर्थी पंचमी खष्ठी, ये खष्ठी तिथि जननी हो गई। माँ तो अदिति है, सूर्य को कहा जाता है
की सुनी लिहा अरजी ये आदित्यमल। आदित्यमल मतलब अदिति के पुत्र आदित्यनाथ। आप मेरी तो अदिति तो मां थी जहां बच्चा जन्म हुआ, और पांच दिन में मां ने कहा कि इसका ताप हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हटाओ इसको बाहर करो। जलने लगी मां, और जब बाहर निकाला गया तो प्रकाशित सृष्टि, सूर्य का प्रकट। तो छठ अदिति को मां नहीं माना गया, उस तिथि को मां माना, उसको मान के पूजा करते हैं। और तब कहा गया कि डूबते जी, क्योंकि जी। बच्चे को जब निकाला गया था तो मां अपने बच्चे को दूर ले जाए तो उसके लिए शोक का विषय है। तो शोक की पूजा शुरू हुई कि निकाला गया मतलब उसको भेजा गया, सूर्य तुम जो जा रहे हो डूब रहे हो ना, तुम्हारे संकट में हम साथ हैं क्योंकि सुबह तुम्हें प्रकाश के साथ आना है। तब उसके लिए ये पूजा में तरह तरह के गीत बनाए गए। और जब ये डूबते सूर्य के वक्त की जो वो जो विरह की बेला जिसे हम कहते हैं, उस वक्त मनोज क्या गाते हैं? डूबते समय के जो गीत हैं उसमें ज्यादातर लोगों ने डूबते सूर्य की चर्चा अपने गीतों में नहीं की है। उन्होंने सिर्फ सूर्य का अर्घ देते समय ये जरूर प्रार्थना किया है कि उगी आईहा है सूरज बाबा, उगी आईहा भोरे उगी आईहा, उगी आईहा भोरे सूरज बाबा, उगी आईहा भोरे उगी आईहा, आके भगिया जगैया हो उगी आईहा, आके भगिया उगी आईहा सूरज बाबा, उगी आईहा भोरे फेर उगी आईहा, उगी आईहा सूरज बाबा, उगी आईहा भोरे फेर उगी आईहा, सूतल भगिया जगैया हो उगी आईहा, सूतल भगिया जगैया हो उगी आईहा, ठेकुआ शरीफवा से भरल सुपेलिया, ठेकुआ शरीफवा से भरल सुपेलिया, ठेकुआ शरीफवा से तोहरे पे लागल बाटे हमारी नजरिया बाबा उगी आईहा, तोहरे पे लागल बाटे जग के नजरिया वो उगी आईहा, अरे सूतल भगिया जगैया हो उगी आईहा, सूतल भगिया जगैया हो उगी आईहा, ठेकुआ शरीफा नारियल संतरे ये सब सोने का सूप, अलग अलग मान्यता, लोग की जैसी श्रद्धा वैसी मान्यता। किसी ने कह दिया हे छठ मैया मेरी को खरी करो, मैं पैदल चल के लेटते हुए तेरे दरबार तक आऊंगी। उनका दरबार जल के किनारे है, जल के किनारे, और सभी लोग जब शाम को आते हैं तो उस डूबते सूर्य को कहा ही नहीं गया कि तुम डूब रहे हो। ये तो हम लोग आजकल थोड़ा ज्ञानी हो गए तो हम लोगों ने सोचा, लेकिन जिसने छठ की कल्पना की, जिसने पहचाना, उसने सूर्य को ये नहीं कहा। शायद तब ये विज्ञान भले न जानता हो लेकिन उन लोगों को पता होगा कि सूर्य डूबते नहीं है, सूर्य का ये क्रम है। तो उन्होंने कोई ऐसा गाना मुझे नहीं लगता जिसमें सूर्य के डूबने की बात हो। जब शाम को आते हैं तो यही सारे गीत होते हैं, जैसे मैंने गाया कांच ही बांस के बहंगिया, और हम लोगों ने कुछ नए गीत बनाए। तो ऐसा ही एक किसी गीत को आप यहाँ पर गुनगुना दीजिए, उसके साथ हम ब्रेक लेंगे और बातचीत का यह सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। कोई एक गाना जो आप लोगों ने बनाया हो। हमने बनाया एक गीत छठ माँ के को देखते हुए कि जो छठ माँ के घाट पे नदी किनारे, गंगा किनारे, जमुना जी किनारे, दिल्ली बॉम्बे मद्रास कलकत्ता पटना काशी जहां भी जाइए मॉरिशस, तो लोग
इतने ज्यादा संख्या में कोई डाल लेके जा रहा है, कोई साथ में चल रहा है, मां गीत गाते जा रही है, उसका वर्णन हम लोगों ने किया। चार है ना। अरे छठी मैया के दी हल लालनवा आंगनवा ढुगुरे, छठी मैया के दी हल छठी मैया के दी हल लालनवा आंगनवा डुगुरे, छठी मैया सारे लोग माँ के आंगन में घूम रहे हैं। अरे केहू के बा यसरा लागल, केहू के बा भगिया जागल, केहू के बा भगिया केहू के बेटा केहू के सजनवा आंगनवा डुगुरे, केहू के बेटा केहू के सजनवा आंगनवा डुगुरे। हो डलवा सुपेलिया लिहले मैया के घर पे आवे, डलिया सुपेलिया मैया के दर पे आ, बड़े बड़े होई गई ले बचनवा आंगनवा डुगुरे, बड़े बड़े हो अब हो आंगनवा डुगुरे, छठी माई समनवा डुगुरे, अब हो केहू के बेटा केहू के सजनवा आंगनवा डुगुरे, केहू के बेटा केहू के सजनवा आंगनवा डुगुरे, छठी मैया के बिहल ललनवा आंगनवा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ लेते हैं, लेकिन ये खूबसूरत लोकगीत ब्रेक के उस पार भी जारी रहेंगे और जारी रहेगी छठ मैया की महिमा की ये कहानी, बने रही हमारे। अरे बनाए मनोज बाबू का हरी।